ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। देखो भाई साहब सब तो पहला वी आर पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट का सब तो बड़ा काम होता है कि असी पब्लिक दे उन्हां दी सेवा वास्ते सानू इत्थे डिप्यूट किया जाता है सो रेस्ट अशोर्ड ट्रांसपेरेंटली और जिहड़ा बंदा पब्लिक डीलिंग जिहदी अच्छी नहीं है वह पुलिस ऑफिसर मैं तो समझदा कदे कामयाब नहीं हुंदा सो रेस्ट अशोर्ड तुसी इह पॉइंट दस्सिया मैं तुहानू इह विश्वास दवा सकदा कि मैं भी और साड़ी सारी जी टीम है वो पब्लिक दी ग्रीवेंसेस नू भी प्रायोरिटी दी जाएगी। सर रैंसम कॉल्स जिहड़ियां ने शहर दे विच बहुत वधीआं ने जी चंगे चंगे जिहड़े बिजनेसमैन ने वह मतलब इत्थों माइग्रेट करन दी सोच रहे हैं ठीक है ना कई वारी वो दसदे वी पुलिस नू इनफॉर्म नहीं करते बट इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम इन अमृतसर। पहला सवाल दूसरा सवाल सर ट्रैफिक की गल तुसीं कीती है सुधारन की जिहड़े बाहरों सर इत्थे लोग दा लख बंदा जिहड़ा श्रद्धालु कह लईए आपां विजिटर कह लईए वह आउंदा जी अमृतसर दे विच लेकिन की गया कि ज़्यादातर ट्रैफिक जिहड़े अपने वीर ने वो बाहर दीआं गड्डियां नूं मतलब फैमिली होवे जां कुछ होवे देखो फिजिकल चैकिंग इज अनदर थिंग लेकिन जो असीं कागज़ां वल पै जांदे आ ना जी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट जिहड़ी आ हुंदी है मैनूं लगदा जी संगत नूं इह इस तरह संगत दी भी जिहड़ी आ ना एक हरासमेंट है मैं इह दोवें चीज़ां वल बहुत ध्यान सर प्लीज़ दस्सो। देखो जिहड़ा ट्रैफिक दा रेगुलेशन ते इनफोर्समेंट दो अलग अलग चीज़ां है जी उहनूं आई अश्योर यू तुहानू विश्वास मैं दवाना कि असी अज इस तो बाद मीटिंग रखी हुई है ये सारिया चीज़ा मेरे जहन च ने और इनू असी ऑन ग्राउंड डेफिनेटली तुसी इंप्रूवमेंट देखो। दूसरी गल जी एक्सटॉर्शन कॉल दी साडा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी और तुहानू पता है मानयोग सीएम साहब के हुक्मां नाल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी इसे करके बनाई गई है मैं भी काफ़ी देर तो जो उनकी टास्क फोर्स बनी वो भी ड्यूटी निभाई है तो मैं सोचता कि साड़ी प्रायोरिटी है और असी सिटीजन नूं मैं पहले ही तुहाडे नाल शेयर किया कि उन्हें सिक्योर बनाना साड़ी ड्यूटी है एंड इहदे कोई कोताही नहीं होएगी। सर एक सुजेशन है ट्रैफिक मिला क्योंकि तुहाडा पहला दिन है अज्ज सर BRTS इत्थे बस सर्विस शुरू हुई सी BRTS सर्विसिज बंद है पिछले कई महीनों तो उन्होंने सर रेगुलेट किया जा सकता है फॉर दी जो ई रिक्शा जो ई रिक्शा से लेंदे तां गए सी कि ट्रैफिक रेगुलेट हो गए पर ई रिक्शा हैपन हैजन बन गए पब्लिक की भी बहुत सारी डिमांड्स है कि यह BRTS नूं खोल दिता जाए क्योंकि जो उत्थे बंदा एंटर करता है कोई गड्डी लैके तो पुलिस चलान कर देती है जी कोई रेगुलेट कोई अपने ऑफिसर्स नाल तुसीं बह के एक प्लान बना सकते हो जी दा डेफिनेटली जी मैनू वैसे इस बारे नॉलेज नहीं बट इहनूं असीं एग्जामिन करके जो बेस्ट फॉर पब्लिक कन्वीनियंस है वो किया जाएगा। सर ये अमृतसर की गल करिए तो अमृतसर के बड़े अफसर आए हैं तो इतने उन्होंने सेवा की तुम्हें सेवा की जो हूँ तक सवाल आए हैं साढ़े मीडिया वालों सारे कॉमन सवाल ने क्योंकि पंजाब की समस्या केवल अमृतसर की समस्या है नहीं क्राइम की आप गल करिए अमृतसर के पाकिस्तान सटा सटा क्षेत्र साढ़े अमृतसर ग्रामीण पुलिस तो लोकल अमृतसर शहर की पुलिस काम करती है साढ़ा जो टीचा की है जनता दरबार एक लाया जाए जिद ना निष्पक्ष होकर सुनिया जाए क्योंकि बहुत लोड़ है जी लोग कहते सियासी परचे बहुत हो रहे हैं। देखो मैं तो तुहानू एक गल कहना इंसाफ दवाना साडा काम और मैं तुहाडे राही सारी पब्लिक नूं विश्वास दवाना कि मेरे भी दरवाजे हर टाइम खुले आ साडे ऑफिसर भी एक्सेसिबल रहणगे और असीं इंश्योर करांगे कि बिल्कुल इंसाफ होएगा हर एक। सर एक चीज़ हो रहा है कि पत्रकारों की गल कर लीए कि पत्रकारों को ट्रैफिक पुलिस वालों येलो कार्ड तो बड़ा मतलब हरास किया गया कि तेरे को येलो कार्ड है हालांकि जो अदारे का कार्ड हो तो फिर येलो कार्ड बनता है इस संबंध थोड़ी प्लीज ऑर्डर इम्प्लांट कर दो। देखो भाई साहब मैं पता नहीं इस गल बारे डेफिनेटली असं डिस्कस कर लेंगे हूँ इस तो बाद नोट कर लो शूट आउट की वारदातों तो शहर जो सहमे आए कि वो कोई प्लान तैयार किया जाएगा ताकि इस तरह की वारदातों से कंट्रोल किया जाए। देखो भाई साहब मैं सब तो पहला गल ये की है कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम साड़ी प्राइम ड्यूटी है उस तो बाद मैं तुहानू गल कीती विजिबिलिटी दी ते मैं तुहानू यही गल कह सकदा कि तुसी आप चेंज देखोगे जो बेस्ट इंप्रूवमेंट हो सकती असी ऑन ग्राउंड लेके आवां। रेडी सारे जने इस महान पवित्र धरती दे उत्ते लोकल मीडिया का वेलकम करदा
ये वड्डे भाग नाल ही गुरु महाराज की इस धरती उत्ते सेवा का मौका मिलता है। तो असी अपने आप नूं सारे खुशकिस्मत समझते हैं। पुलिस का जिहड़ा मेन काम हुंदा है वह हैगा प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, और यही साडा बेसिक पुलिसिंग का जिहड़ा फंडा है। सो मेरी यही कोशिश होएगी कि क्राइम नूं असी प्रायोरिटी देईए। अजे बारे बारे मैं बहुत डिटेल च डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज मैं हुणी ज्वाइन किया, सारा कुछ एनालिसिस होएगा, एग्जामिन करांगे ते तुहाडे नाल टाइम टू टाइम शेयर की जाएगी हरेक चीज़। दूसरी जिहड़ी आम प्रॉब्लम हुंदी है सारे वड्डे शहरां च, वो हुंदी है ट्रैफिक दी, उहनूं भी असी प्रायोरिटी देनी है। और जिहड़ियां भी चीज़ां आम नागरिक नूं कंफर्टेबल ते सिक्योर कर दी हैं उस चीज़ वल ध्यान दिता जाएगा। लॉ इनफोर्समेंट जो होंगी है वो सब तो मेन इंपॉर्टेंट गल है ऑर्डरलीनैस। तो मैं सारे अमृतसर वासियों भी बेनती करता कि पुलिस का सहयोग देन ताकि असी कानून जड़ा है उन्हों ग्राउंड ते इनफोर्स करके हरेक वास्ते कंफर्टेबल ते सिक्योर माहौल असी बनाईए। इस तो अलावा वेलफेयर जो साड़ी फोर्स का है, पंजाब पुलिस एक बड़ी बहादुर फोर्स है, ट्रेडिशनली बहुत अच्छा काम करती है शुरू तो ही। तो मैं उन्हों का वेलफेयर, उन्होंने इंट्रैक्शन उन्होंने भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तो अलावा जो मेन काम है विजिबिलिटी, आपां तो वध पुलिस दिखे, लोग सिक्योर फील कर, नाइट दे विच, दिन दे विच, अर्ली मॉर्निंग, वो सारा। इस तो बाद हुण मीटिंग रखी है मैं जीओज़ ना इंट्रोडक्टरी, तो उहदे च सारियां चीज़ां असीं डिस्कस करके तुहानूं बहुत जल्दी ग्राउंड दे उत्ते चीज़ां दिखणगियां। तो मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं टाइम कढ़िया, और तुहाडे सहयोग की पूरी आस करदा। पुलिस साहब नशा बहुत वड्डी समस्या बणी। देखो साडे मानयोग सीएम साहब का दो प्रायोरिटीज़ ने जी, नशा ते क्राइम, जिहड़े स्पैशली क्रिमिनल्स ने, गैंगस्टर्स ने। सो वो साड़ी प्रायोरिटी रहनी ही रहनी है। और तुहाडे मैं तां ही कहा कि तुहाडे फीडबैक की भी बहुत लोड़ पेगी, और मैनूं पता है कि जिहड़ा मीडिया साडा बेस्ट चैनल हुंदा जिथे तुसीं सीख सकदे आ। सो तुहानूं मैं वेलकम करदा इस गल वास्ते कि जिथे भी तुहानूं कोई गल लगे, और मैनूं पता नहीं कितने मीडिया पुलिस का कोई ग्रुप बनया होया आम डिस्ट्रिक्ट बनया हुंदा, जे नहीं है तो असीं जरूर बना लाँगे। तुहाडे नाल टाइम टू टाइम इनफॉर्मेशन शेयर भी की जाएगी, और तुहानूं आप तुहाडे तो फीडबैक भी मैं जरूर लवेंगे, और तुहानूं लगेगा कि आपां एक तौर पर इकट्ठे समाज वास्ते काम कर रहे हैं, सो दैट साडा समाज जिहड़ा नशा मुक्त भी होवे, और क्राइम नूं असीं वध तों वध अंडर कंट्रोल रख सकदे। पुलिस साहब जदों भी कोई क्राइम हुंदा जां कोई इंसीडेंट हुंदा, सब तों पहले बंदे नूं एसएचओ लेवल ते थाने लेवल ते जांदा, कोई इस तरह दी इंस्ट्रक्शन पास करोगे? बहुत सारियां देखो लोकल एमएलए ने भी सवाल चुके सी, जदों बंदे थाने जांदे ने उहनां दी सुनवाई नहीं हुंदी, फिर उह हायर ऑफिसर्स नूं वार वार इंटरप्ट करदे। क्या लोकल जिहड़े एसएचओज ने उहनां नूं